हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के निम्मी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मैंने 1 से लेकर 10 तक मैंने नेक्स्ट वीडियो में बना दिया है, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? जो आपका गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है। तो इसके अगर फ्रेंड हम लोग सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, बीएलवी साइन थीटा बोल्ट। ठीक है, तो इसका ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी आपको फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन की अगर बात करें सही की, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या करते हैं, दिशा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, चुंबकीय दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है? इसमें आपको एक इमेज बनी हुई होगी और इसमें आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसके अगर हम सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी है, योक या फ्रेम। ठीक है, ये क्या है आपकी, योक या फ्रेम, या इसको हम लोग बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब ये बॉडी आपकी क्या हो सकती है, कास्ट आयरन की बनी हो सकती है या कास्ट स्टील की बनी हो सकती है। ठीक है, छोटी मशीनों में अलग प्रयोग करते हैं और बड़ी मशीनों में अलग प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन की इसलिए बनाते हैं ताकि जो जब हमारी मशीन चलती है तो क्या होता है, वाइब्रेट होती है, तो वाइब्रेट को बेयर करने के लिए हम लोग कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में है, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पूछी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 8 होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो इसमें आपको एक आकृति दिख रही होगी, इसमें आपसे पूछा गया है कि इस आकृति का क्या नाम है। ठीक है, तो ये आपको इमेज अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस इमेज को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसमें आपसे, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़ते हैं? जो आपके डीसी जनरेटर होता है उसमें जो हम लोग अलग से इंटरपोल करते हैं उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका ए सही है फ्रेंड, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं, या आर्मेचर के श्रेणी क्रम श्रृंखला में इसको जोड़ते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 की। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या होती है? अगर आपका कोई जनरेटर है उसमें हम अगर उसको एक बार क्या कर देंगे, मोनोटाइल्स का सप्लाई दे देंगे डीसी सप्लाई, तो उसकी वाइंडिंग में क्या हो जाता है, एक बार चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, अवशिष्ट जो चुंबकत्व का गुण उसमें बच जाता है अवशिष्ट। इसके ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वोल्टेज का निर्माण करता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, जैसे कोई नया जनरेटर होता है तो उसको हम लोग क्या, एक बार डीसी सप्लाई से उसको कनेक्ट करते हैं उसकी फील्ड वाइंडिंग को, ताकि वो क्या हो जाए, उत्तेजित हो जाए, और उत्तेजित होने के बाद उसमें जो मैग्नेट का कुछ ना कुछ अवशिष्ट चुंबक बचा रहता है। इसके बाद जैसे ही हम उसमें कंडक्टर को लगा के उसको घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो बात करते हैं वहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेट के अस्तित्व होंगे, जैसे कि उससे क्या होगी, फ्लक्स निकल रहा होगा। तो जब हमारा कंडक्टर उसके फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा, तो जैसे ही कट करेगा तो कुछ ना कुछ बोल्ट उत्पन्न होगा, वो हमारा कहाँ आएगा, कंडक्टर में आएगा, फिर वही कंडक्टर से बोल्ट हमारा कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा, फिर हमारा थोड़ा सा मैग्नेट पावरफुल होगा,
थोड़ा सा मैग्नेट पावरफुल होगा, फिर वो क्या करेगा, उसको काटेगा। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा वोल्टेज होके एक लेवल तक हम लोग क्या करते हैं, अपने प्राप्त वोल्टेज को वहां पे निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, मशीनों में वो कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को नापते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो मशीन में दो क्या होते हैं पॉइंट होते हैं उसको हम लोग ब्रश संपर्क का प्रतिरोध नापते हैं। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका जो है वो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जो इसका ऑप्शन है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें आप यहाँ पे आकृति देख पा रहे होंगे और एक्स के रूप में जहाँ पे मार्क किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है। तो इसके अगर सही ऑप्शन के अगर हम लोग ग्राफ के रिकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सी सही है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, जो आर्मेचर में रिएक्शन होता है उसका जो ड्रॉप वो इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है यदि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा और सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सही से अगर पढ़ोगे, अगर आप कंपाउंड जनरेटर की चारों या छह वाइंडिंग को जानते होंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसको फिर से पढ़ते हैं, कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है यदि संट फील्ड वाइंडिंग के साथ, जो आपकी संट फील्ड वाइंडिंग है उसके समांतर में जुड़ा हुआ है। तो इसके अगर सही ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर क्या डी सही है। तो आपका जो शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर है ये इसके नाम से हम लोग जानते हैं जब उसकी वाइंडिंग को क्या करते हैं फ्रेंड, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। ठीक है, इस तरीके से मैंने 11 से लेके 20 नंबर तक क्वेश्चन आपको कराए हैं। नेक्स्ट हम आपको 21 से लेके 30 तक जरूर क्वेश्चन कराएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।